नमस्कार दोस्तों, या तो प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में बने रहें, इस घर का पूरा प्लम्बिंग काम आपको दिखाएंगे। अभी प्लास्तर नहीं हुआ इधर का, अभी इधर का प्लास्तर होने का है। और इधर अपने को पाइपलाइन डालने का है। इधर अपना चार बाथरूम इधर है, टोटल अपना चार मंजिल का ये प्लम्बिंग काम करने का है। एक मंजिल नीचे, तीन मंजिल, एक मंजिल पुराना है और तीन मंजिल नया है। इस वीडियो में अपना फर्शी लगने तक का वीडियो आपको मिलेगा। इसी वीडियो के अंदर फर्शी लगने तक का आपको पूरा डिटेल बताएंगे। इस वीडियो में फर्शी लगने का बाद भी दिखाए हैं। यहाँ से अपने को पाइपलाइन डालने का है और एक बाथरूम उधर है। अभी अंदर का भी दिखाएंगे, बाहर का भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं। अभी ये बड़ा बंगला है, सॉरी बड़ा ये घर है। अभी इसको प्लम्बिंग काम करने का है अपने को। ये दोनों तरफ से पन्नी लगा है कि सीमेंट दूसरे के घर के ऊपर मत गिरे। अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अभी इधर भी अपने को पाइपलाइन करने का है पूरा। इधर से पाइपलाइन उतारने का एक, अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये संडास का पाइपलाइन है, ये दूसरा पाइपलाइन डालने का अपने को। इधर भी दो तीन संडास है। ये अपना टोटल अपना इसमें नौ संडास बाथरूम है। चार में अपना वॉल हैंगिंग कमोड है, डाइवर्टर है, फ्लश वाल है, और चार में अपना मिक्सर है, उसमें इंग्लिश सीट है ये स्ट्रॉप। ये अपना आगे का दरवाज़ा, ये सब टूटेगा, इसी वीडियो में दिखाएंगे टूटने के बाद। अभी देखिए आगे पूरा फर्शी लगा है नीचे, आशीर्वाद निवास। अभी इधर पूरा अपना खिड़की लगने वाला है लोहे का। ये अपना आगे का पूरा दरवाज़ा टूट जाएगा, टूटने के बाद भी आपको दिखाएंगे दृश्य। अभी अपना इधर से पाइपलाइन डालने का है। अभी देखिए ऊपर से नीचे तक किचन इधर है, दो किचन है, दोनों किचन का पाइपलाइन डालने का है अपने को। और लेटरिन और अपना बाथरूम का दोनों पाइपलाइन ये सामने वाले में एक करना है, वो भी आपको दिखाएंगे क्या 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 दिक्कत है। दोनों बाथरूम एक करेंगे अपना बाथरूम में, और किचन में बदबू नहीं आएगा, ऐसा करने का है अपने को। वीडियो में लास्ट तक बने, पूरा आपको दिखाएंगे बताएंगे। अभी ऊपर आ गए, ये अपना इधर गैलरी है, इधर अपना एक बेडरूम है। ये 4x4 का खिड़की है, इधर भी 4x4 का है। अभी अपना किचन का मार्किंग हो गया, कटिंग हो रहा है। इसमें अपना एक नल रहेगा टाकी का। इधर अपना टाकी का नल एक रखने का है। इधर अपना बेसिन रहेगा, बेसिन का नल रखने का है। इधर अपना इंग्लिश सीट के लिए नीचे से निकलेगा। इधर अपना मिक्सर हो गया और ऊपर अपना शावर हो गया, और इधर अपना गीजर हो गया, कोल्ड वाटर हॉट वाटर। इधर अपना फ्लैश टैंक का एक पॉइंट आएगा, इधर अपना हैंड पोसेट का पॉइंट आएगा। अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं।
अभी पूरा अपना बालू आ गया है इसमें, रेती ला के रख दिए क्योंकि वाटरप्रूफ भी करने के अपने को। इधर भी बालकनी है, इधर बालकनी है, इधर बालकनी है और इधर अपना किचन है। ये अपना इधर वॉश बेसिन है, ये भी बाथरूम है। इधर अपना फ्लेक्स टैंक का, इधर अपना डाइजी पाइप डाल के, इधर अपना नॉन ट्रैप बार बेसिन के लिए जो हो जाएगा, इधर अपना इंग्लिश सीट हो जाएगा दोनों को बीच सेंटर में। इधर अपना टाकी का आउटलेट है जो बाहर से अंदर आएगा। इधर गीजर, इधर अपना हैंड पोसेट का पॉइंट, इधर अपना गीजर का, इधर अपना मिक्सर और नीचे मिक्सर, ऊपर अपना शावर, ये अपना बेसिन में जाएगा। अभी कटिंग कर रहे हैं लड़का, अभी ये टाकी को ऊपर लेने का है। ये अपना 1000 लीटर का टाकी है, इसको ऊपर लेने का है अपने को। अभी देखिए इधर का कटिंग हो गया है, वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। एक वीडियो देखेंगे बहुत ही नॉलेज मिलेगा आपको। अभी देखिए कटिंग हो गया, ये बाथरूम, ये अपना इधर गीजर हो गया, इधर अपना 2 पाइपलाइन जाएगा इसमें, इधर अपना शावर हो गया ऊपर, इधर अपना बेसिन, ये पूरा अपना बेडरूम है। अभी देखिए बेडरूम और अपना बालकनी, बड़ा बड़ा बेडरूम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब ये बाथरूम है, ये बाथरूम का इसमें अपना फ्लश वाल, डाइवेटर, वॉलिंग कमोड तीनों रहेगा, तीनों का पॉइंट इधर बनाने का अपने को। इधर बेसिन रहेगा एक, ये जीना ऊपर जाने के लिए है, अभी रेती सब बाथरूम में पड़ गया है, ईंट भी पड़ गया है। अभी बाथरूम को अपने को वाटरप्रूफ करने का है। अभी बाथरूम मार्किंग भी हो गया सब, नीचे वाला ऊपर वाला सेम है लेकिन 4 बाथरूम अलग है, जिसमें चारों में वालेंगे कमोड है, चारों में प्लस वाल है, चारों में अपना डाइवेटर है। इस 6.5 फुट पे अपना गीजर का, 7 फुट पे अपना सावर का पॉइंट रहता है। अभी सबका मार्किंग हो गया, कुछ बाथरूम का कटिंग भी हो गया। अभी देखिए बाथरूम का भी मार्किंग हो गया और इसमें ईंट भी रख दिया गया है। अभी इसको ईंट निकाल के फिर अपने को पाइपलाइन करने का है। अभी आगे का दिखाते हैं आपको, ऊपर का सबसे जो मेन बाथरूम है ऊपर का है। ऊपर का अगर बाथरूम अच्छा से समझ में आएगा तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ये अपना सामने बालकनी है, अभी नीचे से ऊपर आ गया। ये अपना जीना से ऊपर जाने का है। अभी जो ये
ऊपर वाला फ्लोर है ये अपना मालिक के रहने के लिए बनाया पर्सनल, इधर मालिक रहेंगे उनके लिए बना इधर बनेगा। इसमें ऊपर तीन बाथरूम है, तीनों में अपना वॉलिंग कमोड है, डाइवेटर है, फ्लश वाल है, ये ऊपर अपना ये डिजाइन है हॉल में, इधर हॉल में पूरा डिजाइन है। इसमें दो पट्टी इधर है, दो पट्टी इधर है, ये पूरा अपना हॉल है, ये अपना किचन है, ये इधर किचन है, किचन में अपने को कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और समरसेबल का और एक आरू का इनलेट आउटलेट। टोटल अपना किचन में दो चार पांच पॉइंट रहेगा किचन में, दो अपना एक टाकी का आउटलेट और अपना बोर का और अपना सोलर का और अपना आरओ का पॉइंट। इधर अपना वॉशिंग मशीन का पॉइंट देने का है, ये बाथरूम से होते हुए बाहर जाएगा, ये बाथरूम से होते हुए, ये बाथरूम में अपने को डाइवेटर फिटिंग करने का है। अभी डाइवेटर फिटिंग करने का अपने को ये पूरा बाथरूम सफाई भी करने का है, बट वाटर कूप करके भी दिखाएंगे आपको वाटर कूप कैसे किया जाता है पूरा डिटेल के साथ। अभी अपना बाथरूम में बाथरूम के लिए सब का रेती चढ़ा दिया गया है, इधर से अपना बेसिन के लिए पॉइंट रहेगा, इधर अपना शावर हो गया। फिर बाथरूम का मेजरमेंट करके अपना पाइपलाइन करेंगे, तो बाथरूम का मेजरमेंट अच्छा बैठता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये अपना हाल है, हल से आपको दिखाया, अभी यहाँ दिखाते हैं और भी बाथरूम का नज़ारा, ऊपर भी चलेंगे। अब क्या हुआ, सब बाथरूम में और अपना बेडरूम में सब में डिजाइन है। अभी नीचे से दिखा रहा था आपको, अभी ऊपर आ गया। अभी बाथरूम में भी अपना वालेंगे कमोड है, डाइवेटर है, फ्लश वाल है, गीजर है, सोलर का पॉइंट भी है। इधर अपना गीजर रहेगा, क्या होता है गीजर में अगर हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों देते हैं तो बाद में अगर अपने को लगाना होगा टूवे पिलर को तो लगने का दिक्कत नहीं रहता है, लग जाता है। अगर सोलर लग रहा है तो अपना गीजर में अपना पिलर कोक में हॉट वाटर कोल्ड वाटर का पॉइंट दे देना चाहिए बेसिन के लिए। अभी इधर अपना पूरा गमला लगने वाला है पौधा, इधर पूरा इसमें भी नल अपने को देना है टिपक टपक विधि का। क्या होता है इधर ऊपर अपना अगर छत पे अपना टेरिस पे क्या होता है कोई आदमी पौधा लगाता है तो उसके लिए एक नल देना है। अभी इसमें मिट्टी और भरने का है, ये पूरा सिटी का अंदर का काम है, ये चारों तरफ आपको बिल्डिंग दिख रहा है। अभी ये बांध काम हो रहा है, इसके नीचे से अपने को पाइपलाइन ले जाने का है, जो अपना गमला लगेगा उसके नीचे से अपना पाइपलाइन जाएगा। अगर ये सामने वाला का बिल्डिंग का प्लम्बिंग काम करना देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा काम हम ही किए हैं। 5 मंजिल का ये
और जी एक काम चालू है, ये 4 मंजिल का है, ये सामने वाला अपना 5 मंजिल का है। अगर इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, सोलर का और अंदर का बाथरूम का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ये अपना RCC वाटर टैंक है, अभी इसमें अपना इनलेट आउटलेट सब निकालने का है। इस वीडियो में पूरा आपको दिखाए हैं, बताए हैं, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको समझ में आएगा। अभी इधर का पूरा प्लास्टर बाकी है, प्लास्टर करने का है। इधर RCC टाकी है, RCC टाकी में अपना GI पाइप डालना चाहिए। होल को होल होने के बाद आपको दिखाते हैं कौन सा पाइप डालें, क्या क्या फिटिंग लगाए, कितना इंची फिटिंग लगाए, पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। अपना इसमें टाकी में कभी भी कराएं तो कोर कटिंग ही कराएं, कोर कटिंग कराएंगे तो परफेक्ट कटिंग होता है, और ऐसे ब्रेकर से मारेंगे तो पूरा परफेक्ट नहीं कटता है, इधर कटेंगे। अगर कोर कटिंग से कटिंग करेंगे तो पूरा परफेक्ट परफेक्ट लेकर ही जाएगा। सामान रखा है पाइप फिटिंग, देखिए पूरा 1 इंची, 7 इंची, 1.5 इंची, 2.5 इंची, 4 इंची, 1.5 इंची, सबका सब पाइप लाइन इधर रखा है। इधर अपना गत्ते में भी सामान है, अभी ये पूरा लगेगा। अभी ये अपना कटिंग फाइनल हो गया, इधर अपना कटिंग फाइनल हो गया, ये अपना ऊपर शावर के लिए हो गया, इधर अपना मिक्सर के लिए हो गया, वाल मिक्सर। इधर अपना हैंड पोसेट हो गया, इधर अपना गीजर हो गया, ये अपना बेसिन के लिए हो गया। अभी कटिंग फाइनल हो गया पूरा बाथरूम का, अभी काम कभी दिखाएंगे आपको काम कैसे करते हैं। हर काम का छोटा छोटा पार्ट आपको लाइव दिखाए हैं। इधर अपना इंग्लिश सेट का पॉइंट जाएगा आगे, इधर अपना बेसिन का इनलेट, इधर अपना बेसिन का आउटलेट, बेसिन का इनलेट, बेसिन का आउटलेट दोनों का पॉइंट इधर देने के लिए झील कटिंग हुआ है। ये अपना किचन का सिंक के लिए कटिंग हुआ है पाइपलाइन, इधर एक नल रहेगा, अब इसके लिए कटिंग हो गया है। अब इसके का अपने को पाइपलाइन डालने का है, एक पाइपलाइन डालने का अपने को, अभी हमने ये पूरा टूल्स और इधर अपने पूरा फिटिंग ला दिए हैं, पूरा फिटिंग ला के रखे हैं। ये पूरा का पूरा फिटिंग लग जाएगा, ये पाइप भी लग जाएगा, क्या होता है अभी फर्सी लगने के बाद, और फर्सी नहीं लगने के बाद, और फर्सी लगने के बाद घर का कैसा नज़ारा रहता है आप देख सकते हैं। और इसमें फर्सी लगने के बाद भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। इधर अपना साउंड हो गया, इधर अपना मिक्सर हो गया, मिक्सर हो गया, सबका सब UPVC पाइपलाइन करने का है। और अपना मिक्सर का आउटलेट पाइप वो अपना हॉट वाटर रहेगा CPVC, बाकी का पूरा का पूरा UPVC रहेगा, बस हॉट वाटर ही अपना CPVC रहेगा, कोल्ड वाटर पूरा का पूरा UPVC रहेगा। अब ये भी बाथरूम भी कटिंग हो गया है पूरा।
क्या होता है, एक बार पूरा बाथरूम कटिंग हो गया उसके बाद पाइपलाइन करते हैं तो दिक्कत नहीं रहता है, नहीं तो एक बाथरूम कटिंग किए एक बाथरूम पाइपलाइन किए तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। एक ही बार में पूरा कटिंग कर लें उसके बाद डायरेक्ट पाइपलाइन करें तो टाइम आपका कम जाएगा, टाइम बचत होगा टाइम का। इधर अपना नॉन ट्रैप भी रहेगा और अपना सीएनजी का पाइपलाइन भी रहेगा। क्या होगा, मालिक आदेश है कि बोतल ट्रैप भी लगा सकते हैं और बाद में अपना अगर बोतल ट्रैप चॉकअप होता है तो अपना आउटलेट पाइप भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसमें दोनों का सिस्टम दिया गया है। अभी पाइपलाइन होने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे किए हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी देखिए अपना पूरा का पूरा पाइपलाइन हो गया, 2.5 इंची, 4 इंची, 1.25 इंची, सॉरी 1.25 इंची नहीं, 1.5 इंची, 1.25 इंची, सब का सब पाइपलाइन हो गया है। अभी देखिए वाई मारेंगे तो दिक्कत नहीं रहता है, इसमें वाई मार के अपना सुवेंड मारे हैं, वाई और सुवेंड का मेजरमेंट अच्छा रहता है। एल्बो भी लग जाएगा लेकिन एल्बो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, अगर अपना वाई लगाएंगे तो पानी सीधे आगे के तरफ जाता है और टी में आगे के तरफ नहीं जाता है। ये अपना हॉट वाटर हो गया, इधर अपना कोल्ड वाटर हो गया, इधर अपना ब्रश टी मारे 1/2 इंची का, इधर अपना बेसिन में चला गया, इधर अपना शावर में चला गया, इधर अपना सावर हो गया। अभी मसाला पूरा आ रहा है वाटर कूप करने के लिए, अभी लड़का लोग मसाला डाल रहा है। अभी देखिए मसाला पूरा लेवल हो गया, लेवल होने के बाद कैसा दिखता है आपको दिख रहा होगा। अभी पूरा अपना मिक्सर का, सावर का, गीजर का, सबका मसाला मार दिए। वाटर को कभी भी करें तो इसका लेवल अपना नॉन ट्रैप के पास आना चाहिए, चारों तरफ से सूखने के बाद इसको सीमेंट से गोटाई करना चाहिए, फिर वाटर को अच्छा होता है। अगर सीमेंट का गोटाई करेंगे तो बाथरूम लीकेज नहीं होता है, बाथरूम में हल्का भी पानी गिरेगा तो नॉन ट्रैप के पास आता है। ये अपना मिक्सर रेडी हो गया, ये अपना हैंड पोसेट हो गया, इधर अपना फ्लैश टैंक का एक पॉइंट हो गया, इधर अपना गीजर हो गया। अभी अपना पूरा पक्का, पूरा का पूरा ये बाथरूम का पाइपलाइन ख़त्म। अभी देखिए अपना यश ट्रैप, नॉन ट्रैप, सवाई सॉरी एक इंची बाहर पाइपलाइन है, 1/2 इंची, 1.25 इंची पाइपलाइन हो गया। ये अपना बेसिन का और बाथरूम का, अभी सबका बाथरूम का अंदर का काम खत्म हो गया, बाहर का दिखाते हैं आपको बाहर का कैसे काम किए हैं। अभी देखिए बाहर पूरा पाइपलाइन निकल गया अपना, दो दो चार, इधर अपना चार बाथरूम है, दो इधर दो उधर, टोटल अपना चार बाथरूम इधर हो गया, दो बाथरूम इधर, दो बाथरूम इधर। अभी अपने को 20 से अपने यहाँ 2.5 इंची पाइप लेना है 75 mm, और दोनों के बगल से अपने को 2.5 इंची डालने का है, सॉरी 4 इंची डालने का है। अभी प्लास्टर अपना हो गया, अभी अपना बाहर का पूरा प्लास्टर फाइनल है। अभी बाहर का पाइपलाइन करने का है अपने को, अभी इधर बाहर का पाइपलाइन करने का है, इधर नीचे दो बाथरूम और ऊपर दो बाथरूम, चार बाथरूम का पाइपलाइन आएगा और एक 2.5 इंची का एक पाइपलाइन रहेगा और 4 इंची का दो पाइपलाइन रहेगा। अभी फ्रंट से आपको दिखाते हैं, अभी प्लास्टर होने के बाद आपको कैसा दिख रहा है और प्लास्टर नहीं हुआ था तब कैसा दिख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो किस किस राज्य तक जा रहा है एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो किधर किधर तक जा रहा है, हमारा भी हौसला बढ़ेगा
और भी वीडियो आपको लाता रहता है डेली। अभी देखिए अपना वॉलिंग कमोड वाला जो बाथरूम है ना, उसका पाइपलाइन हो गया है। अभी अपना 1.25 इंच पाइपलाइन इधर से हुआ है, इधर से 1.25 यार्डा का बूस मार के, इधर पास ओवर बैंड मार के, ऊपर अपना गीजर के लिए पॉइंट हो गया। इधर अपना गीजर हो गया, इधर अपना गीजर हो गया, ये अपना 1.25 इंची का टी मार के, इधर अपना प्लस वाल हो गया, 1.25 इंची का प्लस वाल भी है। इधर अपना नीचे 1.25 इंची का एल्बो मार के, नीचे 1.25 इंची का एल्बो मार के, अपना इधर वालेंगे कमोड में आ गया है पॉइंट। नीचे से अपना 36 इंची पे प्लस वाल है, 36 इंची पर स्पाउट है। नीचे से फर्श, नीचे से 36 इंची पर अपना फ्लस वाल है, 36 इंची पे स्पाउट है। ये अपना वालेंगे कमोड के लिए चेयर ब्रैकेट है। चेयर ब्रैकेट कभी भी लगाएं, जो चेयर ब्रैकेट वालेंगे कमोड एक मंगा लें, उसके बाद मेजरमेंट लेके वालेंगे कमोड का चेयर ब्रैकेट सीमेंट से पैक करना चाहिए। अब इधर से अपना 1.25 इंच पाइपलाइन हुआ है, 1.25 आधा कट्टी मारे हैं, आधा इंच टी मार के, फिर अपना इधर से पाइपलाइन करके, एक नल इसलिए दिया गया है कि डायमीटर सबके समझ में नहीं आता, इसलिए एक नल दिया गया है पर्सनल। दोनों का डिसेंट 6.5 इंच है दूरी, इस पाउट का और एक नल का। इधर अपना हैंड पोस्ट के लिए एक पॉइंट है, ये अपना सीधे बेसिन में चला गया है बाहर। ये अपना सोलर का पॉइंट बाहर निकाल दिया है, सोलर का ये पॉइंट है, जो अपना गीजर भी अटैच हो गया है और बाहर भी निकल गया है, दोनों काम हो जाएगा। इधर अपना पास ओवर बेंड मार के, फिर अपना पाइपलाइन इधर से लाते हुए इधर अपना बेसिन में चला गया है। क्या वो डायमीटर में कभी भी ब्रास एमटीए का उपयोग करें, बस सादा एमटीए का उपयोग मत करें, कभी भी डायमीटर में ब्रास एमटीए ही यूज करें। इधर अपना मिनिमम मैक्सिमम दिया गया है। अभी डायमीटर में और फ्लस वाल में दोनों में मिनिमम मैक्सिमम दिया रहता है, उसमें देख के लगाएंगे तो अपना अपना ही अच्छा रहता है। ज़्यादा फर्सी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फर्सी के बाहर भी नहीं होना चाहिए, उसमें मिनिमम मैक्सिमम देख के लगाएंगे तो दोनों अपना परफेक्ट बैठेगा, दिक्कत नहीं रहता है। इधर अपना नॉन ट्रैप है, जो वाई मारे हैं सुबेड मार के, अपना इधर एक नल दे, इधर अपना एक नॉन ट्रैप दे दिए हैं। वाई मारेंगे तो कभी भी चोकअप होने का दिक्कत नहीं रहता है, अगर टी मारेंगे तो चोकअप होने का दिक्कत रहता है, लेकिन कभी भी वाई में दिक्कत नहीं आता है उतना जितना टी में अपना दिक्कत आता है। ये अपना दीवार कटिंग करके अपना नॉन ट्रैप आगे दिया गया है एक। अभी अपना पूरा का पूरा बाथरूम का पाइपलाइन हो गया है। इधर अपना बोतल ट्रैप भी बैठाने का है, इधर अपना हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का पॉइंट देना है। कभी भी कोल्ड वाटर दाहिने साइड रहता है, हॉट वाटर बाएं साइड रहता है। कभी भी फिटिंग करें कोल्ड वाटर दाहिने साइड, हॉट वाटर बाएं साइड अपना हैंड का। अभी अपना ये बोतल ट्रैप का पॉइंट है, इसमें पाइप लगा है कच्चा, ये क्या हो, इसका बगल बगल से अपना ये वाइट या एम सील से भर देंगे ना तो लीकेज का दिक्कत नहीं रहता है। अगर अपना बोतल ट्रैप लग गया उसमें से पानी लीकेज है
तो आपको मालूम नहीं चलता है, क्या कि फर्सी लग गया उसके बाद आपको दिखेगा ही नहीं। इधर अपने बेसिन लगाने का है, टू वे फिलर कोक लगाना है जो बेसिन के अंदर से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना बेसिन आएगा। अभी आगे का दिखाते हैं आपको। अभी अपना ये बोतल ट्रैप का पॉइंट है, ये अपना बोतल ट्रैप का पॉइंट अपना नॉन ट्रैप में गया है। ये अपना पीवीसी 7 इंची पाइपलाइन है। अभी देखिए ये बाथरूम भी फाइनल हो गया पूरा का पूरा। इसमें भी अपना इधर गीजर है, नीचे अपना बेसिन में हॉट वाटर कोल्ड वाटर है। ये अपना 7 इंची का पाइपलाइन है जो वॉलिंग कमोड के लिए और अपना फ्लश वाल के लिए। और इसी में से बुश मार के अपना डाइवेटर में गया है, दाहिने साइड कोल्ड वाटर डाइवेटर में कभी भी रहता है। कभी भी डाइवेटर हो या मिक्सर हो, कभी भी दाहिने साइड कोल्ड वाटर देना चाहिए। अभी अपना इधर का पाइपलाइन भी ख़त्म हो गया है, बस चेयर ब्रैकेट बैठाने का है अपने को, चेयर ब्रैकेट लगाने का है। इसका डिफरेंस 6.5 इंची है बेसिन का। इधर अपना बोतल ट्रैप लगेगा। अभी अपना वॉल हैंगिंग कमोड दिखाते हैं आपको। ये अपना वॉल हैंगिंग कमोड है। कभी भी अपना अगर वॉल हैंगिंग कमोड का पॉइंट देना है तो सीट एक सैंपल के लिए एक सीट मंगा लें, क्या होगा बाद में कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस होता है हर सीट में, लेकिन अगर अगर आप सीट मंगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं रहता है। कोई भी अपना मसाला, इधर मसाला गिरा है, कोई भी वालेंगे कमोड हो तो एक अपना सैंपल के लिए मंगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है बैठाने। सीट हर सीट का माप हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन डिफरेंस रहता है। अभी इधर अपने को वाटरप्रूफ करने का है। अभी अपना पूरा का पूरा पाइपलाइन हो गया। अभी अपना बाथरूम पूरा पाइपलाइन हो गया, चारों बाथरूम का। इधर सुवेंड मारे, सुवेंड वाई का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, सुवेंड हो या वाई, ये दोनों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ये अपना 7 इंची पाइपलाइन है, 7 इंची में अपना पूरा का पूरा बूस मारे हैं 100x18 का। ये अपना प्लस वाल है जो वालेंगे कमोड के लिए जाएगा इधर। अभी अपना बाहर से पाइपलाइन भी सब हो गया है, बाहर से भी कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, आपको दिखाते हैं बाहर जाके। पहले अंदर का आपको दिखाते हैं, अंदर का काम कैसे हुआ है। इधर अपना डाइवेटर है, इधर से अपना डाइवेटर का पाइपलाइन हुआ है। डाइवेटर का आपका स्पाउट मालूम है, डाइवेटर का हाइट मालूम है, डाइवेटर का हाइट नीचे से 42 इंची और स्पाउट का नीचे से अपना 36 इंची फर्सी लगने के पाले। ये अपना शावर हो गया। इलेक्ट्रिक पाइप है नहीं तो और भी ऊपर ले सकते हैं। अपना अगर 7 फुट पे सिलाप है बाथरूम के ऊपर तो अपना बाथरूम से 3 इंची, बाथरूम का जो हाइट है उससे अपना 3 इंची पर शावर का पॉइंट दे सकते हैं आप। अभी मसाला वसाला सब बन गया है, अपने को मसाला डालने का है बस। अभी चेयर ब्रैकेट का भी मेजरमेंट हो गया है पूरा, क्या वो चेयर ब्रैकेट का मेजरमेंट करके आप लगाएंगे तो दिक्कत नहीं रहता है।
अभी मसाला में अपने को पानी डालने का है। अभी छत पे आ गए, छत का इधर पाइपलाइन करने का है अपने को। अभी कोर कटिंग चालू है, अभी कोर कटिंग आपको दिखाते हैं कैसे होता है। अभी इधर से पाइप, कोर कटर का पाइप निकलेगा बाहर। अभी इधर से पाइपलाइन बाहर निकालने का है। अभी कोर कटिंग वाले कोर कटिंग कर रहे हैं भाई साहब हमारे। क्या होता है, कोर कटिंग से आप कराते हैं ना, तो सीमेंट का टाके है तो कोर कटिंग से भी अच्छा होता है। अभी देखिए पानी निकल गया, अब इधर से कटिंग करते हुए निकलना है बाहर। अगर कोर कटिंग कराते हैं तो अंदर का सरिया और ये पूरा काट के वो अपना निकाल लेता है। ये टाकी का, टाकी धोने के बाद इसके लिए पानी निकला है, पानी निकालने के लिए बनाया है। जब पानी आप टाकी धोएंगे उसके लिए, और इधर अपना टाकी का आउटलेट, टाकी का आउटलेट नीचे से 4 इंची रहेगा, 3 से 4 इंची। और टाकी धोने के लिए नीचे से एकदम 0-0 चाहिए अपने को। अब इधर निकलेगा पाइपलाइन अपना टाकी का आउटलेट। अभी अपना बगल से दिखाते हैं आपको, बगल से भी अपना पाइपलाइन बाहर का हो गया है। अभी इधर से अपना पाइपलाइन हो गया है, ये अपना झूला है, झूला के सहारे पूरा पाइपलाइन हुआ है। इसी झूला से अपना पूरा का पूरा पाइपलाइन हुआ है, अंदर से लेके बाहर तक। ये तो अपना दोनों तरफ घर है तो इसका दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का आउटर साइड का बिना झूला के और बिना सेफ्टी बेल्ट के नहीं करना चाहिए। जो भी आदमी घर बनवाता होगा पूरा डिटेल अगर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि काम कैसे कैसे हुआ है, इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगा है। इसमें टोटल चार अपना वालिंगिंग, उसमें कमोड है, डाइवेटर है, फ्लश वाल है, और 5 अपना ये स्टाफ का सीट है। तो अपना 9 बाथरूम में टोटल कितना कॉस्ट गया है प्लम्बिंग का, पूरा डिटेल आपको बताएंगे लास्ट के वीडियो में। कितना लाख चला गया है केवल पाइपलाइन में। क्या होता है, अगर टाकी का आउटलेट आता है तो उसमें टी मार के नीचे एंड कैप मार देते हैं, तो बाद में जितना भी टाकी का कचरा हल्का फुल्का आता है तो पाइप के सहारे अपना एंड कैप के पास चला जाएगा, जिसको बाद में काट के अपना रिपेयर कर सकते हैं आप। ये सब सबका सब काम हो करने का है। अभी क्या है, ये पाइपलाइन बाहर से जो नीचे से आया बीच में, ये पाइपलाइन होने का नहीं था, लेकिन पाइपलाइन करने के बाद साहब बोल रहे हैं कि अपने को वास। अभी अपना इधर का भी पाइपलाइन हो गया, अभी बाएं साइड का पाइपलाइन पूरा आपका पूरा अपना हो गया। इधर अपना 1 इंची किचन के लिए पाइपलाइन डालें, एक भैया अर्धा कट्टी मार के अपना किचन में चला गया है। इधर वाला अपना बाथरूम का, इधर वाला अपना संडास का, संडास का 4 इंची लाइन है, 110 mm। अभी पीछे का पूरा अपना काम हो गया, पूरा का पूरा पाइपलाइन हो गया। अभी प्लास्टर होने के बाद ऐसा दिखता है, प्लास्टर होने के पहले कैसा दिखता था आप देखें वीडियो में। अभी प्लास्टर होने के बाद ये बाहर का अपना पाइपलाइन किए हैं। अपना बीच से, बीच वाला अपना बाथरूम का है, और दोनों साइड से अपना संडास का पाइपलाइन है। सब में वाई मारे हैं, वाई मारने से क्या होता है, कभी भी अपना पाइपलाइन चॉकअप नहीं होता है। अगर टी मारेंगे तो कभी
पानी रिवर्स मारता है तो चोकअप होने का दिक्कत रहता है। कभी भी मारे तो अपने वाई मारे, वाई और 45 डिग्री एल्वो, ये दोनों का उपयोग करना चाहिए कभी भी। अगर 90 डिग्री एल्बो मारेंगे तो चौकअप होने का दिक्कत रहता है। इधर से अपना वाई से फोर वे वाई मारे, डबल वाई फोर वे वाई बोलते हैं उसको, इधर से वाई मार के सीधे अपना इधर से डोर एल्बो मार के नीचे चला गया है। इधर भी डोर एल्बो मारे हैं, इधर भी डोर एल्बो मारे हैं, दोनों ऊपर संडास का है, नीचे अपना बाथरूम का पाइपलाइन है। यहाँ से 4 इंची में भी वाई मारे हैं। देखिए वाई सबसे ज़्यादा वाई का यूज करेंगे ना तो दिक्कत नहीं रहता है, कभी भी चोकअप होने का संभावना नहीं रहता है। अगर टी मारेंगे तो चोकअप होने का दिक्कत रहता है, लेकिन वाई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये अपना स्ट्रेट लाइन है, सीधे ऊपर चला गया एयर के लिए, संडास का एयर है वो अपना ऊपर डाल दिए। दो बाथरूम ऊपर है, दो बाथरूम नीचे है, टोटल इधर 4 बाथरूम है। अभी चारों बाथरूम का अंदर और बाहर का पाइपलाइन हो गया है, अभी ऊपर का पाइपलाइन करने का है छत का, वो भी दिखाएंगे वीडियो में आपको। झूला का काम कैसे करते हैं इसी वीडियो में आप बने रहें, वो भी दिखाएंगे। इधर अपना 1.5 इंची लाइन है ऊपर, इधर 1.5 इंची लाइन, इधर अपने को फ्लश वाल देने का है। ऊपर कितना इंची पाइपलाइन डालें वो अपना पूरा आपको कंफर्म करके बताएंगे, किधर कैसे कोक दिए हैं, किधर अपना टाकी का है, टाकी में कौन सा पाइप डालना चाहिए RCC टाकी में। अभी ऊपर चलेंगे तो ऊपर दिखाएंगे आपको। अभी देखिए इधर से अपना नीचे वाला अपना अपना बाथरूम का और किचन का पाइपलाइन हुआ है। ये अपना इधर लेटरिन बाथरूम दोनों का बाथरूम एक ऊपर से नीचे आया है, उसके बाद इधर से नीचे से अपना बाथरूम का चला गया किचन का, और ऊपर से अपना संडास का चला गया है। कभी भी डोर एल्बो और शू बैंड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। शू बैंड 45 डिग्री और वाई जिधर नहीं जगह है उधर एल्बो दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शू बैंड और 45 डिग्री एल्बो का ही प्रयोग करें। ढाल 10 फीट में 2 इंची कम से कम ढाल देना चाहिए, उसके ऊपर आपका मर्जी, 10 इंची में 2 इंची ढाल तो देना ही देना है। 10 इंची में 2 इंची ढाल। अब इधर अपना वाई मार के डोर एल्बो मार के ये ऊपर डाल दिए, बाहर का है। इधर से अपना चेंबर में चला गया, इधर से अपना नीचे अपना 2.5 इंची 75 mm पाइप है, ऊपर अपना 110 mm 4 इंची पाइप है। अभी डोर एल्बो और नीचे प्लेन एल्बो मार के टी मार के अपना उसमें जॉइंट हो गया है नीचे का। इधर अपना सुबिड मारे हैं 45 डिग्री एल्बो, इधर से अपना नीचे टी में जॉइंट हो गया है। इधर अपना चेंबर है, ये अपना बाथरूम का चेंबर है, और इधर वाला अपना संडास का चेंबर है। ये अपना संडास का चेंबर है, ये दो संडास का पाइपलाइन है और संडास में चला गया, ये अपना बाथरूम का बाथरूम में चला गया, ये अपना संडास का पाइपलाइन है, आपको पहले दिखाया, अभी पाइपलाइन ये बदल दिया गया है। सब में अपना PVC क्लिप लगा है, PVC क्लिप 4 इंची 2.5 इंची और 1 इंची 1.5 इंची में GI क्लिप लगा है। अभी आपका भाई मिथिलेश प्लम्बर काम कर रहे हैं झूला पे, अभी झूला का काम चल रहा है। अभी इधर वाई मारे हैं, वाई मार के इसमें ज्वाइंट करने का है वाई और सुबेंट। अभी काम कर रहे हैं झूला पे, क्या होता है ये फोल्डिंग वाला झूला रहता है ना तो दिक्कत नहीं रहता है, अगर सिंगल वाला झूला अगर लगाएंगे तो दो आदमी का वेस्टेज होता है, 3 आदमी का वेस्टेज होता है। एक आदमी पैर से दबाएगा, दो आदमी लगता है ऊपर नीचे करने के लिए, एक आदमी सामान देने के लिए। अगर ऐसे करेंगे तो एक ही आदमी में सब काम हो जाता है, ऐसा झूला रहेगा तो प्रॉफिट होता है टाइम का।
और ऊपर अपना बीम में कॉलम में फंसा देंगे, उसके बाद अपना ऊपर नीचे होके अपना काम करते रहेंगे। एक बार मार्किंग कर लीजिए क्लिप का लाइन डोरी से, उसके बाद अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और सिंगल झूला रहता है तो ऊपर नीचे करने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, उस तरह 3 आदमी लगता है एक झूला का काम करने के लिए, और उस तरह एक ही दो ही आदमी में हो जाता है, एक आदमी ऊपर से सामान देता है और एक आदमी काम करता है, तो 2 आदमी में ये टाइम बचता है। सिंगल झूला में यही फायदा है। सॉकेट भी लगता है और गर्म करके भी लगता है। अभी देखिए पाइप लगा दिए, लेकिन क्या होता है गर्म करने में पाइप टूटेगा, लेकिन टूट जाएगा, लेकिन लीकेज कभी भी नहीं होगा। क्या होता है सॉकेट में, अगर सॉकेट आता है कंपनी का, उसमें अंदर का सॉकेट गलने 2-4 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है अंदर का वासर, तो पानी लीकेज होने का संभावना रहता है। अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का भी काम करने का है अपने को। अभी इधर का काम ख़त्म हो गया, इधर अपना पाइपलाइन सब जोड़ दिए, इधर सबका पाइपलाइन जुट गया, इधर अपना वाई मार के अपना किचन का भी जुड़ गया, किचन का इनलेट आउटलेट दोनों जुट गया। देखिए पहले में अभी में क्या अंतर है कि पहले इधर अपना नीचे सामान रखा था, अभी सब टूट के इधर लग गया एंगल। देखिए इधर क्या होगा आपको वीडियो में पहले बताया था, लेटरिंग या बाथरूम का दोनों पाइप एक में आएगा, इसके नीचे अपना पी ट्रैप लगा है, पीवीसी का पी ट्रैप लगा है, लेटरिंग और बाथरूम का दोनों का ये डायरेक्ट सीवर लाइन में जा रहा है, तो कभी भी अपना बदबू रिटर्न नहीं आएगा पी ट्रैप लगाते हैं तो। पीवीसी का 4 इंची का पी ट्रैप आता है, अगर पी ट्रैप लगाएंगे तो बदबू कभी भी रिटर्न नहीं आएगा अपना। ये अपना बोर का पाइप है, बोर का पाइप इधर से सीधे ऊपर अपना टाकी में चला गया है, ये अपना सीधे टाकी में चला गया। बाहर का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब ऊपर का काम है हल्का फुल्का। अभी इधर का पूरा टूट गया, इधर अपना गाड़ी के पास पूरा अपना सामान था, मटेरियल पाइपलाइन पाइप इधर रखा था, अभी सबका सब पाइपलाइन लग गया, अभी भी टूट गया। देखिए ये अपना पूरा बन काम टूट गया, प्लास्टर दिखता हुआ आपको हल्का फुल्का जो रिपेयर हुआ है। क्या एक वीडियो बनाने में महीनों लगता है, आपको देखने में 1-2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो वीडियो को लाइक एक बार लाइक कर दे। वीडियो का डायरेक्ट लाइक है 50 लाइक है, 50 लाइक आप लोग पूरा कर दीजिए दिल से, एक कमेंट कर दीजिए कि हमारा वीडियो किधर किधर तक जा रहा है। अभी ऊपर आ गए, ऊपर अपना झूला बने हैं। अभी इधर अपने को देखिए, इधर पाइपलाइन की छत का, अभी पाइपलाइन छत का हुआ है, ये लड़का मसाला बना रहा है भूखा जाम करने के लिए, जो भी पाइपलाइन हुआ है वो बाहर से पैक करने का है। अभी नीचे से आपको दिखा रहा था, अभी ऊपर आया है, ये अपना बाहर का पाइपलाइन है, इधर अपना दोनों तरफ संडास का पाइप और बीच में अपना बाथरूम का पाइप, ये अपना एयर का उठा है। एयर का अपना पैरा फीट से 1 फुट नीचे देंगे तो बदबू ऊपर नहीं। अभी आपको नीचे से दिखा रहा था इधर बाहर का पाइपलाइन, अभी ऊपर आ गया, उधर से आपको दिखा रहा था सोलर के पास से, अभी ऊपर आ गया अपना। अभी क्या हुआ, ये काम में महीनों लग गया है, टाइम बहुत गया है। ये अपना टाकी का पाइपलाइन है, इधर से अपना टाकी का पाइपलाइन हुआ है, टाकी में कभी भी टाकी का अगर काम करे RCC का तो उसमें GI का ही कभी भी अपना GI
पाइप टाकी भी डालना चाहिए क्या? जीआई पाइप टाकी भी डालेंगे तो उसका मजबूती ज़्यादा होता है क्या? पीवीसी एक डालेंगे एक बार तो पीवीसी टाइट करने में अगर टूट गया तो दिक्कत होता है बाद में। अभी अपना इधर टाकी पे पाइप डाला है, इधर अपना एफटीए लगा है, जीआई एफटीए, ब्रास एफटीए, उसके बाद यूनियन, उसके बाद टी के लिए ऊपर अपना एयर का उठ गया है। ये अपना टाकी खाली करने के लिए, टाकी सफाई करने के लिए इधर लगा है, एक कॉक दिए है। अपना कॉक चालू करके टाकी साफ कर सकते हैं। अब इधर से क्लिप मारते हुए ये अपना नीचे चला गया है सीधे। एक अपना इधर कॉक दिए है, बाद में सोलर लगेगा तो सोलर का पॉइंट इस पे जोड़ने के लिए, सोलर का इनलेट। क्या होता है क्लिप अगर सेंटर में मारेंगे तो देखने में अच्छा रहता है, कोई भी क्लिप 4 इंची 2.5 इंची का क्लिप सेंटर में मारेंगे, अगर दो पाइप जा रहा है तो दोनों क्लिप एक ही साथ मारेंगे तो दिक्कत नहीं रहता है। ये अब एक ही पाइप से देखिए, ये अपना टाकी का ओवरफ्लो है, टाकी का एयर का भी हो गया, टाकी का एयर ओवरफ्लो भी इसी पाइप से आ जाएगा। ऊपर अपना टी मारे है, टी के सहारे से अपना ऊपर एयर का निकल जाएगा और नीचे अपना ओवरफ्लो आ जाएगा। ये अपना सोलर का पॉइंट है और नीचे अपना ये टाकी का कॉक है, एक बाल वाल नीचे बना। ये अपना बाथरूम का चला गया है, नीचे इंड कैप मारे है, कोई भी कचरा होगा तो अपना पाइपलाइन चौकअप नहीं होगा, इंड कैप निकाल के निकाल सकते हैं। नीचे वाला अपना टाकी ओवरफ्लो है, इधर गिरेगा और बाहर जाएगा पानी, इधर गिरेगा इधर से अपना बाहर चला जाएगा। सबका बाथरूम के ऊपर अपना कॉक दिया गया है, सब बाथरूम का अलग अलग, कि कोई भी बाथरूम में प्रॉब्लम हो तो एक ही बाथरूम को पानी बंद करना पड़े, सब बाथरूम को पानी बंद नहीं करना पड़े, इसलिए हर बाथरूम का अलग अलग कॉक दिया गया है। पाइपलाइन नीचे से हुआ है, पूरा का पूरा पाइपलाइन अपना पैराफिट के नीचे से हुआ है। ऊपर अपना गमला रखने के लिए जगह बनाया गया है कि ऊपर गमला रह जाएगा और नीचे से अपना पाइपलाइन चला जाएगा पूरा। इधर गमला लगेगा, उसके लिए नल का एक पॉइंट छोड़ा गया है सब में, अभी सब में मिट्टी भर भर गया, इसमें अपना बड़ा सेफ्टी मारे हैं। इसमें अपना 1 इंची का पाइपलाइन गया है। क्या होता है कुछ बाथरूम में, कुछ किचन में 1 इंची का लाइन गया है, जिसमें प्लस वाले है उसमें 1.25 इंची का पाइपलाइन गया है। ये अपना 1.25 इंची का पाइपलाइन गया है, जिसमें प्लस वाल है उसमें 1.25 इंची पाइपलाइन तो देना ही देना पड़ेगा, और जिसमें किचन है बाथरूम है जिसमें प्लस वाल नहीं है उसमें 1 इंची भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा अपना यूपीवीसी पाइपलाइन है, पूरा का पूरा अपना यूपीवीसी पाइपलाइन है। इधर ब्रास टी मारे हैं 1.5 इंची का, इधर ब्रास एफटीए, इधर अपना 1.25 इंची का बाल वाल। आगे अपना इधर से टी मार के अंदर चला गया है, आगे अपना इंड कैप मारे हैं टी मार के, बाद में अगर इधर कभी भविष्य में इधर नल निकालने का होगा और कुछ पॉइंट देने का होगा तो इधर से अपना इंड कैप काट के लग जाएगा। क्या होता है टी काट के अगर लगाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और काम पूरा क्लिफ निकालना पड़ता है, और इंड कैप निकालेंगे तो उसमें टाइम कम लगता है, फटाक से काटेंगे फटाक से जोड़ देंगे। ये अपना बोर का पाइप था। हम इधर से ऊपर आ गए, अभी अपना पूरा का पूरा फर्शी लग गया है बाथरूम का। ये अपना हॉट वाटर कोल्ड वाटर, नीचे अपना बोतल ट्रैप का पॉइंट है, नीचे अपना नॉन ट्रैप है। क्या होता है कोई आदमी डायरेक्ट बोतल ट्रैप का पॉइंट देता है और नॉन ट्रैप नहीं देता है। नॉन ट्रैप क्या होता है, बोतल ट्रैप ज़्यादा दिन चलता नहीं है, 2 साल 4 साल के बाद वो ख़राब होता है, तो उसके बाद आदमी पाइपलाइन ऊपर से पड़ता है तो अच्छा नहीं रहता है। अपना दोनों पॉइंट दिया गया है कि अगर नॉन ट्रैप बोतल ट्रैप का भी अगर चेकअप होता है तो नॉन ट्रैप में अपना पाइप जा सकता है। ये अपना डाइवर्टर लगने के बाद फर्सी है,
ये फर्सी बाथरूम का अलग गया है पूरा, ये अपना बाथरूम का पूरा फर्सी लग गया। ये अपना फ्लश वाल है, ये अपना फ्लश वाल है का एक ही वीडियो में आपको सब मिले मिला है, अपना प्लास्टर से लेके पाइपलाइन से लेके फर्सी तक का। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, वीडियो का लाइक टारगेट है 50। और ये अपना वाल इंगिन कमोड का पॉइंट है, ऊपर अपना 7 इंची, बीच में अपना 4 इंची। ये भी बाथरूम का फर्सी लग गया पूरा, सब बाथरूम का अलग अलग कलर का फर्सी लगा है। इसमें भी सेम ही मॉडल है जो उसमें है, और ये इस बाथरूम में वही है, बस फर्सी का अंतर है। फर्सी के पहले कैसा लगता था, फर्सी के बाद कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। इधर अपना फ्लश वाल है, इधर अपना एक नल है, इधर अपना डाइवेटर, और इस नीचे इसका स्पाउट, ऊपर अपना शावर। ये अपना गीजर का पॉइंट है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। नीचे अपना बोतल ट्रैप का पॉइंट है, इसमें भी हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों दिया गया है। नीचे अपना नॉन ट्रैप भी है, कभी भी बोतल ट्रैप का पॉइंट दें तो नॉन ट्रैप देना ही देना चाहिए, क्योंकि बोतल ट्रैप ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो 100% है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जब एक बार नया सामान लगे फिर दोबारा रिपेयर करने में नहीं बनता है, भी नया घर बनता है तो लग जाएगा, फिर बाद में रिपेयर करना हो तो नहीं लग पाएगा। उसके बाद अपना पाइपलाइन काटो फिर डालो, तो ऊपर से क्लिप मार के डाल दो तो वो अच्छा नहीं दिखता है। अगर नॉन ट्रैप रहेगा तो डायरेक्ट अपना आउटलेट पाइप अपनी डाल सकता है। अभी सब काम ख़त्म हो गया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।